हाय फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है गौरव भारद्वाज, फाउंडर रियल्टी राइनोज, एंड वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट पॉइंट लेके आया हूँ, जो अभी रिसेंट कन्वर्सेशन हुई है काफी क्लाइंटों से। तो लोगों के माइंड में एक काफी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपने आई थिंक थंबनेल पे भी देखा होगा कि मोस्टली जो लॉन्चेस हो रहे हैं एट प्रेजेंट द्वारका एक्सप्रेस वे पे, और इवन लाइक गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पे, या फिर एसपीआर पे, मोस्टली लॉन्च 20,000 के आसपास या उससे ऊपर हो रहे हैं। तो एक बहुत सारे लोग के माइंड में, स्पेशली इन्वेस्टर्स के माइंड में है कि आप जब इस रेट के ऊपर एंटर कर रहे हैं प्रॉपर्टी के अंदर, तो क्या आप एग्जिट कर पाएंगे, या अटक तो नहीं जाएंगे, बीच में लटक तो नहीं जाएंगे, क्या आपका पैसा ब्लॉक तो नहीं हो जाएगा। ओके, तो ये एक बहुत कंफ्यूजन है बहुत सारे इन्वेस्टर्स के माइंड में, और स्पेशली एंड यूजर्स के माइंड में भी, कि वो कहीं प्रॉपर्टी महंगी तो नहीं ले रहे हैं। ठीक है, तो अगर मैं आपको बताऊं, ये जो करंट मार्केट कंफ्यूजन है, इसी की क्लैरिटी मैं दूंगा आपको इस वीडियो के एंड तक। तो देखिए, ये जो द्वारका एक्सप्रेस वे है, मैं 2011 से इसको देख रहा हूं, और 2011 में ऐसा कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि इस लेवल का एलिवेटेड एक्सप्रेस वे बनेगा। उस टाइम मुझे याद है इस प्रोजेक्ट के भी थोड़ा सा आगे दौलताबाद के बैक साइड से एक्सेस हुआ करता था इस एक्सप्रेसवे का, और वहां पे उस टाइम पे किसी एक्सपेक्टेशन नहीं थी यहाँ पे इस टाइप के मूवमेंट होगी, इस टाइप का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा। बट अगर मैं बात करूं, यहाँ पे बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स देखे हैं मैंने पिछले लगभग 14 साल के अंदर। मार्केट ऊपर भी गई है, मार्केट नीचे भी गई है। ऐसा टाइम भी था जब यहाँ पे लैंड एक्विजिशन का हर्डल था, ठीक इंडिया बुल्स एनिग्मा के सामने यहाँ पे मंदिर हुआ करता था, तो उस टाइम पे बहुत सारे लोगों के माइंड में डाउट था कि एक्सप्रेसवे बन पाएगा नहीं बन पाएगा, और कुछ लोगों को जो कॉन्फिडेंस था कि बनी जाएगा, तो उन लोगों ने एक एक पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन के साथ थोड़े से हायर रेट के ऊपर प्रॉपर्टी में एंटर कर लिया था। और मैं वो भी केस स्टडी आपको बताऊंगा, जिसकी वजह से बहुत लंबे टाइम तक उनको रिटर्न नहीं मिल पाया। ओके, तो इवन दो इंफ्रास्ट्रक्चर है, सारी चीज है, बट जो इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है कि जब आप एक रीजनेबल रेट के ऊपर एंटर करते हो किसी भी माइक्रो मार्केट के अंदर, वेदर इट इज एसपीआर, वेदर इट इज द्वारका एक्सप्रेसवे, वेदर इट इज गोल्फ कोर्स रोड एक्सटेंशन माइक्रो मार्केट, जब आप एक राइट प्राइस पे राइट प्रोडक्ट के साथ, राइट बिल्डर के साथ, और आपका जो खुद की यूनिट है वो राइट लेते हो, तो ही आप एग्जिट के चांसेस परफेक्ट टाइम पे परफेक्ट रेट के ऊपर एग्जिट कर सकते हो। अदरवाइज बहुत सारे लोग अटक भी जाते हैं। फॉर एग्जांपल, अभी कुछ टाइम पहले एक प्रोजेक्ट आया था एलांदा प्रेसिडेंशियल, तो उस टाइम पे वो 13,000 रुपए के आसपास लॉन्च हुआ था, 13,000-13,500 ऑल इंक्लूसिव, और उस टाइम पे लोगों को रेट उसका ज्यादा लग रहा था एज कम्पेयर टू जो उसके कंपिटिटर्स प्रोडक्ट सेल कर रहे थे। उस टाइम 10,000-10,500-9,000 के आसपास भी चीजें थी, बट उन्होंने 13,000-13,500 रुपए पे लॉन्च किया। बट प्रोडक्ट ठीक था, रेट जो स्पेसिफिकेशन के हिसाब से जस्टिफाइड था, बिकॉज ऑफ दैट आज की डेट में लोग 18,000-18,500 कमांड कर रहे हैं उस प्रॉपर्टी के ऊपर। क्यों? क्योंकि बहुत सारी चीजें ठीक थी। अब एक और एग्जांपल देता हूं मैं आपको, जो मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि कुछ टाइम पहले, मतलब जब लास्ट में एक तेजी आई थी अच्छी खासी, तो यहाँ पे एक प्रोजेक्ट है सेक्टर 112 के अंदर, उसका नाम है गुड़गांव गेटवे बाय टाटा। इवन तो बिल्डर अच्छा था, डिलीवरी भी अच्छी हो गई, अब रेडी टू मूव इन कंडीशन में आ गया वो प्रोजेक्ट, बट कहीं ना कहीं उस टाइम पे उसका जो रेट था वो रीजनेबल नहीं था, ऑलमोस्ट डबल था मार्केट प्राइस से। बिकॉज ऑफ दैट बहुत लंबे टाइम तक जो लोग थे वो अटके रहे उस प्रोजेक्ट के अंदर, और उस टाइम पे मेरे को ये सोच के हैरानी होती थी कि वो उस रेट के ऊपर प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं, क्या वो सोने की ईंटें लगा के देंगे। उस टाइम पे हालांकि माईवन कंस्ट्रक्शन भी नहीं थी, तो नॉन माईवन कंस्ट्रक्शन थी, और बहुत लंबे टाइम तक इन्वेस्टर रुके रहे उस प्रोजेक्ट के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे भी एक लेसन क्या है आपके लिए कि अपार्ट फ्रॉम बिल्डर, रेट, लोकेशन, आपकी यूनिट की लोकेशन मैटर करती है। जब भी आप एक पर्टिकुलर रेट के ऊपर, वो कुछ भी हो सकता है 18,000-17,000-20,000-22,000, तो वो बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज होती है। इसके अलावा बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो लास्ट ईयर आए थे, कुछ लोग अभी रिसेंटली मिलने आए थे, तो लगभग 1.5 साल पहले उन्होंने कंसल्टेंसी ली
गाइडेंस ली और मैंने उनको एक दो प्रोजेक्ट बताए, ठीक है, बट उन्होंने उन दो प्रोजेक्टों को ना लेके, यू नो एवरीबडी इज वेरी इंटेलिजेंट, इट्स ओके, तो उन्होंने द्वारका एक्सप्रेस की माइक्रो मार्केट में एंटर ना करते हुए न्यू गुड़गांव की माइक्रो मार्केट में एक लग्जरी प्रोजेक्ट था, बिल्डर का नाम नहीं लूंगा, उसमें एंटर करा। अब दे एक्टेड लाइक ओवर इंटेलिजेंट पर्सन, ठीक है, यू नो होता क्या है कि जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो एंड यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉपर्टी लेते हो तो जनरली मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर आप जिंदगी में एक दो तीन चार पांच प्रॉपर्टीज लेते हो ऑन ए जनरल, ठीक है, जो मोस्टली लोग होते हैं, बट हमने यू नो काफी ट्रेंड देखा हुआ है, सैकड़ों प्रॉपर्टीज सेल करी हुई है, तो थोड़ी सी गट फीलिंग जो होती है वो थोड़ी सी राइट हो जाती है। तो उन इन्वेस्टर्स ने गट फीलिंग और जो इंटेलिजेंस था हमारा उसको ओवरकम करके न्यू गुड़गांव प्रॉपर्टी ली और अब वो चाहते कि वो एग्जिट करें वहां से और उसके लिए उनको हेल्प चाहिए थी। तो मैंने उनको ये बोला कि जब एंटर करते टाइम आपने यू नो मेरी नहीं सुनी, ठीक है, तो एग्जिट करते टाइम मैं आपकी यू नो कैसे हेल्प आउट कर सकता हूँ, ठीक है। तो कंसल्टेंसी लेना एक चीज होती है और ट्रांजेक्शन करना दूसरी चीज होती है, तो अगर आप एक कंसल्टेंसी ले रहे हो तो उसकी यू नो पूरी एंड टू एंड चीजें कॉन्फिडेंस रखो उनके ऊपर, जो आपको चीज सजेस्ट करी जा रही है वो ठीक करी जा रही है। अब क्वेश्चन आता है कि और क्या चीजें इंपॉर्टेंट मैटर करती है जब आप 20,000 रुपए पर स्क्वेयर फीट पे एंटर करते हो किसी भी प्रॉपर्टी पे, भले ही द्वारका एक्सप्रेस वे हो गया, SPR हो गया या इवन यू नो एक्सटेंशन रोड हो गया। एक चीज और इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि जो लोग आपको प्रॉपर्टी दिलवा रहे हैं क्या वो आपकी प्रॉपर्टी निकलवा भी पाएंगे या नहीं निकलवा पाएंगे, ठीक है, क्योंकि उसके लिए ना एक डिफरेंट टाइप की स्ट्रेटजी चाहिए होती है। फॉर एग्जांपल मैंने 2011 से 17 तक लगभग गोल्फ कोर्स रोड पे काम किया था सेकेंडरी मार्केट के अंदर, रीसेल मार्केट के अंदर, ठीक है, तो मेरे को पता है कि प्रॉपर्टीज यू नो कैसे एग्जिट करवानी है क्योंकि इतना लंबा नेटवर्क भी हो गया 4,000-5,000 ब्रोकर्स का, ठीक है, तो वो पूरी मार्केट के अंदर इन्वेंट्रीज एक्सचेंज होती रहती है सेकेंडरी मार्केट के अंदर, तो आई नो हाउ टू यू नो डू दैट। और अभी रिसेंटली यू नो एक चीज होती है मैं सिर्फ बोलता हूँ, ठीक है, एक चीज होती है आपके वर्ड्स थॉट्स और एक्शंस, आपके शब्द सोच और कर्म वो एक डायरेक्शन में आया नहीं है, तो बिकॉज ऑफ दैट ऑल्सो अभी यू नो रेगुलर बेसिस पे हम वीडियोस क्रिएट करते रहते हैं, इवन रीसेल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जिन लोगों ने भी हमारे साथ यू नो एंटर करा था उनकी भी इन्वेंट्रीज यू नो हम मार्केट करते हैं, तो कुछ रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टीज है, कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज, तो उसके लिए भी रिसेंटली एक लिस्ट बिल्ड करी थी जहां पे 100 से ज्यादा प्रॉपर्टीज सेकेंडरी मार्केट की मार्केट करी थी, ओके, इवन दो वहां पे मार्जिन कम रहते हैं बट स्टिल यू नो मेरे लिए सेलिंग इज ए सर्विस, बिकॉज ऑफ दैट यू नो उसके अंदर भी हम उतना ही यू नो एफर्ट डालते हैं सेकेंडरी मार्केट के अंदर, क्योंकि मेरे को पता है कि प्रॉपर्टी दिलवाने वाले मार्केट में बहुत है बट निकलवाने वाले बहुत कम लोग हैं, और उसके लिए यू नो एक विन विन सिचुएशंस होती है। क्यों विन विन सिचुएशंस होती है? वो इसलिए विन विन सिचुएशन होती है क्योंकि फॉर एग्जांपल एक बार बिल्डर का यू नो प्रॉपर्टी बिक गई, ठीक है, या फिर उन्होंने रेट्स इंक्रीज कर दिए, तो उस टाइम पे अगर जो सेकेंडरी मार्केट के अंदर पर्सन एंटर कर रहा है उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के अंदर, तो उसको भी बेनिफिट है क्योंकि उसको 2,000-3,000 रुपए पर स्क्वायर फीट रेट सस्ती मिल जाती है और जो बेच रहा है उसको भी 2,000-5,000 रुपए का प्रॉफिट मिल जाता है, तो दोनों के लिए एक विन विन सिचुएशन है, ओके। तो एक वैल्यू फॉर मनी अगर आप एंटर करते हो तो ही आप एग्जिट कर पाते हो इस विन विन सिचुएशंस के लिए। बट अगर कोई ये सोचता है सिर्फ दे कैन विन अदर पर्सन कैन लूज, तो वो एक विन लूज सिचुएशंस के अंदर ना पीपल यू नो लूज देयर मनी और वो स्ट्रक हो जाते हैं गलत टाइप की प्रॉपर्टीज के अंदर रादर देन राइट टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज। तो आप जिस भी रेट के ऊपर एंटर करते हो 20,000, 22,000, 18,000, 17,000, 16,000, बट ये 6-7 चीजें इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको बताया। मैं समराइज अगर करूं तो बिल्डर हो गया आपका प्रोजेक्ट हो गया कि उसके अंदर कुछ यूनिकनेस है भी या नहीं है। फॉर एग्जांपल बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे जो यूनिक है, फॉर एग्जांपल वेस्टर्न रेजिडेंसीज है, उसके अंदर यूनिकनेस है क्या कि वेस्टर्न रेजिडेंसीज और मैरिट इंटरनेशनल कॉन्सेप्ट लेके आ रहा है। मैक्स प्रोजेक्ट लेके आया तो उसके अंदर भी अगेन एक यूनिकनेस थी कि सीनियर सिटीजन। अब स्मार्ट वर्ल्ड 1D स्मार्ट वर्ल्ड जो आपका 69 के अंदर प्रोजेक्ट आया वो भी यूनिकनेस था कि मरीना बे का कॉन्सेप्ट लेके आया, ठीक है। तो जिसकी वजह से अगर कुछ यूनिकनेस है, कुछ एक ट्रॉफी प्रॉपर्टी है आपकी, तो आप प्रीमियम कमांड कर सकते हैं। फॉर अनदर एग्जांपल लाइक ट्रंप टावर था, 15,000 रुपए पे लॉन्च हुआ था, वो आज कमांड करता है 31,000 रुपए। क्यों करता है? क्यों ट्रॉफी प्रॉपर्टीज है? क्योंकि उसके अंदर कुछ यूनिकनेस थी। तो अपार्ट फ्रॉम ऑल अदर थिंग्स कुछ यूनिकनेस भी आपके लिए होनी चाहिए इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के अंदर जब भी आप एंटर करते हो इन रेट्स के अंदर। इसके अलावा और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो मैटर करते हैं जब आप इस रेट के ऊपर एंटर करते हो वो है आपकी जॉब्स क्रिएशन। अगर जॉब्स क्रिएशन जहां पे होंगी, फ्यूचर प्लानिंग होंगी, तो डेफिनेटली उस एरिया के अंदर प्रीमियम कमांड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल गोल्फ कोर्स रोड ने प्रीमियम क्यों एक्सपेक्ट किया? क्योंकि वहां पे साइबर सिटी थी, जॉब्स क्रिएशन थी।
अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं इसकी, तो यहाँ पे ग्लोबल सिटी प्लान है, साइबर सिटी 2 प्लान है टुवर्ड्स एग्जिट ऑफ द्वारका एक्सप्रेस वे, प्लस दिल्ली की कनेक्टिविटी है, जो दिल्ली का सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है, लाइक आपका जो द्वारका का वेस्ट दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो यूटिलाइजेशन हो सकती है यहाँ पे। बट काफी चीजें यू नो जो अवेलेबल नहीं है उस एरिया के अंदर, द्वारका या वेस्ट दिल्ली के अंदर, इवन दिल्ली के अंदर उस टाइप के प्रोडक्ट यहाँ पे यू नो आते हैं। और अगर मैं बात करूं इन टर्म्स ऑफ जॉब्स क्रिएशन की, व्हाई दिस यू नो डेवलपमेंट विल फेच गुड रिटर्न्स, कि यहाँ पे अभी एट प्रेजेंट लाइक गोल्फ कोर्स रोड की मैं बात करूं तो वहां पे साइबर सिटी हो गया, वन होराइजन टू होराइजन सेंटर टाइप की बिल्डिंग्स होगी, पूरा गोल्फ कोर्स रोड पे काफी कमर्शियल डेवलपमेंट हो गया, एमजी रोड का डेवलपमेंट हो गया जो पूरा प्योर कमर्शियल है। तो यहाँ पे भी अगर आप देखोगे अभी बहुत सारे लोगों को अभी उस पर क्लैरिटी नहीं है कि यहाँ पे लगेगा लोगों की यू नो कि कमर्शियल डेवलपमेंट तो कुछ हो नहीं रहा अभी, बट यहाँ पे 35 प्लस कमर्शियल प्रोजेक्ट्स हैं, उनमें से 10-11 रेडी टू मूव इन है, 10-11 अंडर कंस्ट्रक्शन है जिसका पोजेशन कुछ टाइम में मिलेगा, और उसके अलावा 10 है जो अभी प्री लॉन्च स्टेजेस के अंदर है इस एरिया के अंदर, इस बेल्ट के अंदर। तो उसके लिए मैंने सेपरेट यू नो वीडियोस क्रिएट करे हुए कि कौन कौन से वो 30-35 यू नो कमर्शियल प्रोजेक्ट्स हैं एट प्रेजेंट, और उससे भी ज्यादा ही हैं। लाइक दो सेक्टर तो प्योर कमर्शियल ही है, लाइक सेक्टर 114 हो गया, 115 का हाफ पार्ट हो गया, 88 हो गया, और इंस्टीट्यूशनल सेक्टर, इंस्टीट्यूशनल बेल्ट है जहाँ पे स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल यूनिवर्सिटीज आएंगी, ठीक है। तो ये सारी चीज है जो ड्राइव करती है इन द शॉर्ट मीडियम एंड लॉन्ग टर्म जो आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है या जो एग्जिट स्ट्रेटजी है, ठीक है। और जब आप एंटर करो तो आपकी एग्जिट प्री प्लान्ड होनी चाहिए, स्पेशली अगर आप एक इन्वेस्टर हो तो। आपको इस पूरे यू नो डिस्कशन के अंदर हमारी यू नो एक एक्सपर्ट ओपिनियन चाहिए इन टर्म्स ऑफ फाइनलाइजिंग योर ट्रांजैक्शन, कि कहाँ पे आपके लिए एक वैल्यू फॉर मनी प्रपोजिशन हो सकती है, आप एंटर करना चाहते हैं एज एन इन्वेस्टर या फिर एज एन एंड यूजर, तो कौन से बेस्ट ऑप्शन हो सकते हैं, बेटर देन द बेस्ट ऑप्शन हो सकते हैं, जो बहुत कम लोगों को भी मार्केट में पता होता है। कि अभी मैंने एक रिसेंटली वीडियो बनाया था जहां पे 2,00,000 करोड़ के लॉन्चेस बताए थे, और मेरे पास फीडबैक ये आया जिन लोगों ने भी व्यूज देखे उसके, कि यार ये प्रोजेक्ट्स तो किसी और ने बताए नहीं, किसी को पता ही नहीं था, वो क्यों शायद हो सकता है, मे बी बिकॉज ऑफ यू नो 14 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस और मार्केट अपडेट्स की वजह से, ठीक है। तो हो सकता है जब भी आप यू नो एंटर करते हो यहाँ पे एज एन इन्वेस्टर या एंड यूजर, तो आपको एक एक्सपर्ट ओपिनियन की जरूरत जरूर लेनी चाहिए एट द एंड ऑफ द डे, ऑलराइट। और स्पेशली अगर आप फिजिकली मीट कर पाए तो दैट विल बी बेटर, तो आप डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का लिंक दिया होगा उस पर आप क्लिक कर सकते हो और आप अपॉइंटमेंट ब्लॉक कर सकते हो। जब आप क्लिक करोगे तो व्हाट्सएप चैट ओपन होगा और वहां पे एक 15 मिनट का फ्री कंसल्टेंसी सेशन और 60 मिनट का एक पेड कंसल्टेंसी सेशन है, तो वो आप बुक कर सकते हो, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। सो आई होप यू गॉट द क्लैरिटी कि आपको अगर 20,000 रुपए पर स्क्वायर फीट पर अगर आप एंटर करते हो तो आपको एग्जिट करने के टाइम पे कौन कौन सी चीजें माइंड में रखनी जरूरी है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए, ज्यादा अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, कलीग्स के साथ, जिन लोगों के माइंड में भी ये क्वेश्चन है, ये सवाल है, ये डाउट है कि 20,000 रुपए पर स्क्वायर फीट पे एंटर कर तो लेंगे बट एग्जिट कैसे करेंगे, और माइंड में कौन कौन सी चीजें ध्यान में रखनी जरूरी है, सो दैट उन लोगों की एक हेल्प हो सके, प्लस मुझे एक मोटिवेशन मिले आपके लिए इस टाइप के और वीडियोस क्रिएट करने के लिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हियर, मिलता हूं अभी आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और जाते जाते गुजारिश आपसे, रिक्वेस्ट है, सिर्फ चैनल पे से वीडियो देख के चले मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन हिट कर दीजिए, तभी आपको इस टाइप के वीडियोस के फ्यूचर में नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हियर, मिलता हूं अभी आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।